एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ के माध्यम से गांव की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की स्थिति को देखते हुए हम बात करते हैं गांव में विद्युत व्यवस्था की। भारत देश को आजाद हुए लगभग 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इस देश व प्रदेश के बहुत से गांव ऐसे हैं जहां विद्युत व्यवस्था की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं विद्युत पोल लगे हुए हैं तो उन पर भी अभी तक लाइन नहीं खींची है। एक तरफ तो सरकार गांव को इंटरनेट से जोड़ने के हवाई वादे करती है, तो वहीं देखने को मिलता है कि प्रदेश के बहुत से गांव रात में उजाले के लिए आज भी तरस रहे हैं। इसी के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित अकबरा गहरा गांव पहुंचा। लगभग 6500 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 3 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गाँव के प्रधान प्रीतम सिंह के द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 3000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 700 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 340 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 54 हैंडपंप लगवाए गए हैं। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व 13 सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में 26 सीसी टाइल्स रोड, खटंजा, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल में मरम्मत कार्य, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 97 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवास का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खटंजा, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के भी निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान बोल रहा हूँ, प्रीतम सिंह नाम है। और हमारी ग्राम पंचायत में जितनी धनराशि स्वीकृत हुई है मैंने सारा विकास कार्य में लगाया है। सीसी टाइल्स लगवाई है, हैंडपम्प मरम्मत कराई है और हैंडपम्प रिपोर्ट कराए हैं, सीसी टाइल्स लगवाई है और जो आगे को और 91 शौचालय बनवा दिए हैं, बाकी बनने के लिए तैयार हैं, 200 शौचालय बनवाने हैं और 18 प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हो गए हैं। और श्रीमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से प्रार्थना करता हूँ हमारे विकास के लिए आगे को धनराशि स्वीकृत करवाने की कृपा है, जिससे पूरे गांव का विकास हो सके। हमारे गांव में पंचायत घर नहीं है, पंचायत घर की आवश्यकता है, अस्पताल नहीं है, अस्पताल की आवश्यकता है और बारात घर नहीं है। इन्हें दिलवाने की कृपा। मेरा नाम रिफाकत अली है, मैं ग्राम पंचायत अकबरपुर गहरा का रहने वाला हूँ। और ये जो विकास के कार्य प्रधान जी द्वारा कराए जा रहे हैं, ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये पहले बहुत कच्ची सड़क थी, यहाँ पे गारा रहता था। अब जो ये प्रधान जी द्वारा ये पक्की सड़क कराई गई है और इस पर बहुत अच्छे तरीके से प्रधान जी काम करा रहे हैं। विकास के काम बहुत अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से यहाँ पर विकास के काम कराए जा रहे हैं।